और बाजार के एक और महारथी को जोड़ेंगे और स्वागत करेंगे संजीव भसीन का। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। तूफानी दौरे के बाद आप फिर से आप दिल्ली एनसीआर में आप लौट आए हैं। बताइए सर कि अपडेट्स क्या है आपके स्टॉक्स को लेकर। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को और सृष्टि को भी। बिल्कुल, आपके साथ मुंबई गया, उसके बाद अलीबाग गया, उसके बाद वलसाड गया, उसके बाद वापी गया और वापस मुंबई आया और अब दिल्ली गुड़गांव। तो आप इतना नहीं कर सकते, 60 साल की उम्र है सर। और दूसरी चीज, दौरे में दिखता भी है कि क्या बाइंग सेलिंग हो रही है। एंटरटेनमेंट ऑल टाइम हाई पे है। अलीबाग जैसी जगह जो मैं गया, वहां कोई रूम खाली नहीं था। और वो बता रहा है कि ट्रैवल टूरिज्म कंजम्पशन आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको रतन पावर कहा था, वो मेरा फिर रिपीट आइडिया है। जब तक 18 रुपए नहीं जाएगा आप इसको छोड़ना मत। 2700 मेगावाट है अमरावती और नासिक में, और मार्केट कैप 47 रुपए की हो ही नहीं सकती। इट इज अ वेरी वेरी बिग स्टॉक टू ओन, वेरी एक्सलेंट प्ले ऑन द पावर सेक्टर जो बूम कर रहा है। साथ में एनसीएलटी से जिस दिन ये निकला उसकी री रेटिंग एमिनेंट है, तो 18 रुपए का टारगेट है। दूसरा, मैंने आपको सेल दिया था, वो इंट्राडे में अपने टारगेट के पास गया, वो अभी भी मेरे फॉरवर्डेड है। और तीसरा, कोफोर्स दिया था, जहां मेरी एंटिसिपेशन थी कि ये जो टेक ओवर है एक पॉजिटिव होना चाहिए जो सिग्निटी का, लेकिन मार्केट की मैकेनिक्स थी और ये स्टॉप लॉस हो गया था। मैं अभी भी होल्ड करता हूं। 25% की करेक्शन इज अनवारंटेड इन कोफोर्स। मेरे हिसाब से 25% की अपसाइड है, माने 6,000 का भाव मुझे दिखता है। तीन चीजें हैं, एक नंबर स्ट्रांग थे, एट्रिशन लोएस्ट है इन द आईटी सेक्टर। थर्ड, जो बायआउट किया है वो $200 मिलियन का जरूर है, लेकिन उसमें सिनर्जीज बहुत ज्यादा है। एंड देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एआई एंड लॉट लार्ज पार्ट ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में दी। तो मुझे लगता है कोफोर्ज इन द आईटी सेक्टर इज अ वेरी गुड प्ले। यहाँ से आपको कुछ टाइम दीजिए, क्यूआईपी के बाद ये शेयर का भाव मुझे 6,000 रुपए दिखता है। सिनर्जीज वर्क फ्रॉम डे वन विद प्रॉफिट मार्जिन ऑन द अपसाइड। 250 बेसिस पॉइंट का प्रॉफिट मार्जिन कह रहे हैं 2026-27 तक। आज के लिए तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए सर। तो पहले तो आपको रतन इंडिया कह दिया, रतन इंडिया पावर हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 9 रुपए में आपके पास जाने के लिए 1 रुपए और कमाने के लिए 10। तो आप अपना अपनी डिस्क्रिशन कीजिए, अपना जो भी आपकी एनालिसिस है वो कीजिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया शेयर बता रहा हूं इस भाव पे। 8 रुपए वाला जेपी पावर आज 20 रुपए है, वो भी उसमें भी 6 महीने ही लगे थे। दूसरा, कोल इंडिया, मुझे नंबर्स बहुत पसंद आए और मैं कई टाइम से कह रहा हूँ 220, 250, 300, 350 कोल इंडिया में री रेटिंग एमिनेंट है। थर्मल पावर में उनकी ग्रोथ, साथ में जो मर्चेंट में 25% वो बेच रहे हैं, मार्जिन में एड करता है। 530 से 550 का भी टारगेट इसमें आ जाए, इसमें कोई डिप मिले तो लीजिए। तीसरा है बजाज फिनसर्व। मुझे बजाज फिनसर्व के नंबर्स और जो ये न्यू आपकी बजाज फाइनेंस में क्लैरिटी आ गई, बहुत पॉजिटिव है। होल्डिंग कंपनी है, इंश्योरेंस में उसके ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन सबसे स्ट्रांग है। 1880 का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 1620 का इसका। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, 1588 सॉरी स्टॉप लॉस है। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि पेडिग्री स्टॉक्स में मैनेजमेंट बहुत फास्ट रिमीडियल मेजर लेते हैं। किसने सोचा था कि 5 महीने में ही बजाज फाइनेंस इज बैक अप एंड रनिंग। और मुझे लगता है इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड प्ले इन द लॉन्ग टर्म। साथ में होल्डिंग कंपनीज के वजह से इसके पास एएमसी भी है, एआईएफ भी है, और जिस तरह से ये एक्सपेंड कर रहा है इन अदर बिजनेसेस अलोंग विद इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। इन शेयर कोल इंडिया, रतन इंडिया पावर और बजाज फिनसर्व, ये तीनों की टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन चलिए भसीन साहब के साथ अब शुरू करेंगे रिजल्ट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, रिजल्ट एक्सपर्ट।
रिजल्ट एक्सपर्ट, हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-7 मिनट तक फटाफट अंदाज में जितने रिजल्ट हो सके वो कवर करें। भसीन साहब आपसे गुजारिश है कि आंसर थोड़े से क्रिस्प रखिए ताकि हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा सकें। दर्शकों से गुजारिश ये है कि आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और लिस्ट बना लीजिए कौन से रिजल्ट अच्छा है या फिर कौन से खराब है और आपको कहाँ पर स्विचिंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर मिल रही है। शुरुआत करेंगे CDSL से, नंबर है बहुत अच्छे, रेवेन्यू में करीब करीब वो भी डबल हुआ है, मुनाफा भी करीब डबल हुआ है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। भसीन साहब, CDSL आपका व्यू? देखिए अभिषेक जी, पांच थीम बना रहा हूं, डिपॉजिटरी, AMC, इंश्योरेंस, ब्रोकर और एक्सचेंज। ये आंखें बंद करके अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उससे बेटर है, इन पांच सेक्टर्स में शेयर ढूंढिए और अगले 20 साल की इन्वेस्टमेंट सूचिए। CDSL उस कैटेगरी में आता है, कहीं भी मिले लीजिए, अभी भी लीजिए और बाद में भी लीजिए, ये शेयर बढ़ना ही बढ़ना है, अगले 10 साल डिपॉजिटरीज का बिजनेस रुकने नहीं वाला। CDSL पर ये क्यों? जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके शेयर भाव बढ़ा है, NII में 5% की ग्रोथ है और मुनाफे में 34% के आसपास की, और अगर हम इनके NPS की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। ये बैंक कैसा लग रहा है भसीन साहब आपको? आपने मेरी बड़ी अच्छी तीरथ, दुख तीरथ नहीं सुख तीरथ पकड़ ली। 18 रुपए, 20 रुपए था जब मैंने रेकमेंड किया कोविड के टाइम के, इसके बिजनेस कश्मीर के बाहर ज्यादा है, महाराष्ट्र में इसकी ज्यादा ब्रांचेस थी, लोग बाग समझने को तैयार नहीं थे। आज रिजल्ट देखिए, आई थिंक आर्टिकल 370 के हटने के बाद JNK बैंक इज सीइंग द बेस्ट नंबर्स एवर। जो वहां पॉलिटिशियन की वजह से मिस नोमर था, JNK क्रिकेटर्स, ये सब वाइट ऑफ हो गया। कोई भी डिप लीजिए तो लीजिए, ये यहाँ से हाईएस्ट निम वाला कंपनी है। आपको शायद पता है कि एज अ नेचर, एज अ कल्चर, मुसलमान लोग कम अपना इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, उनके कायदे में नहीं होता, तो ये बैंक सबसे ज्यादा निम्स कमाता है। आई वुड से एज अ डिस्क्लोजर, ये मेरा पर्सनल है इसमें स्टेक, तो मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, लेकिन आप होमवर्क कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया बैंक है ओन करने को। इसका सिर्फ JNK नहीं, बाहर में भी बहुत सारा बिजनेस है, इनका हेडक्वार्टर इनफैक्ट गुड़गांव में है, तो मेरे थम से थम्स अप है। ठीक है, थम्स अप JNK बैंक के लिए। आरती ड्रग्स की बातचीत करेंगे, नतीजे इसके अच्छे हैं हाँ अनुमान से, हालांकि रेवेन्यू के फ्रंट पर, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर आपको थोड़े थोड़े नंबर्स कमजोर होते हुए जरूर दिखेंगे। मार्जिन इसके बेहतर हुए हैं, मार्जिन 12.6% से बढ़कर 13.8% का, तो वहां पर इंप्रूवमेंट है। आरती ड्रग्स, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है भसीन साहब नतीजों के बाद? देखिए, फार्मा हैज टेकन द प्लेस ऑफ IT एज फार एज रूपी वीकनेस, ये लोकल प्ले है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन स्टॉक बढ़ चुका है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि होल्ड की रेटिंग है मेरे इस पे, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक जरूर देखिए, क्योंकि चाइना इज बैक एंड रनिंग, वहां पे कुछ आपको अच्छे प्लेस मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली SRF और आरती इंडस्ट्री, लेकिन आरती ड्रग्स इज अ होल्ड फ्रॉम माई साइड। आरती ड्रग्स होल्ड है। ब्रिटानिया के नतीजे आए हैं मिले जुले, प्रॉफिट घटा है करीब 4%, आय बढ़ी है 1%, मार्जिन में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है ब्रिटानिया, इसमें क्या करें भसीन साहब? देखिए, कंज्यूमर स्टॉक्स में मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर वीकनेस का है, जहां तक गाइडेंस दिख रही है मुझे, कंजम्पशन विल नाउ बी द बेस्ट प्ले टू गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि वॉल्यूम विल टेक केयर ऑफ मार्जिन, ब्रिटानिया उस बास्केट में है। मेरी सिंपल सजेशन है, ये कैपेक्स स्टॉक्स में आप प्रॉफिट लीजिए, कुछ PSU बैंक्स में प्रॉफिट लीजिए, और कंजम्पशन के पेडिग्री नेम ब्रिटानिया, नेस्ले, कोलगेट, इनमें आप अपना शिफ्ट कीजिए। ब्रिटानिया मेरे हिसाब से नेगेटिव न्यूज सारी प्राइस में है, वीक अर्निंग्स प्राइस में है, आगे जाते हुए वॉल्यूम से सरप्राइज ऑन दी अपसाइड, बाय रेटिंग है यहाँ पे डिक्लाइन पे। खरीदना है ब्रिटानिया के शेयर को। IDBI बैंक कमजोर नतीजे, मुनाफे में हालांकि 44% का उछाल है लेकिन PPOP प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 10% घटा है, और NPA में हालांकि सुधार है ग्रॉस NPA में। IDBI बैंक ये कैसा लग रहा है आपको वसीम साहब? एज ए डिस्क्लोजर, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये 30 वाला अब 90 हो गया, 3 गुना हो गया, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, और मैं सोचूंगा, जैसे आपको मैंने कहा कुछ प्राइवेट बैंक्स बेटर लग रहे हैं, मिड कैप बैंक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर आपके पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, पूरा मत कीजिए, क्योंकि इसकी अंडरलाइंग बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, और जो इसके पास मैन पावर है वो आपको शायद पता ना हो कि इसके पास PSU में सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट 25 और 27 साल के हायरिंग हुई है,
तो बैंक का एक पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल इन द प्राइस। तो मेरे को इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दीजिए, लेकिन डोंट एग्जिट बिकॉज दिस कैन स्टिल क्रॉस 115 रुपीज। एक शेयर और वसी साहब बता दीजिए आप, आइनोक्स विंड रेवेन्यू में गजब का उछाल हम देख रहे हैं, 176% के आसपास का, और 119 करोड़ के लॉस के मुकाबले 36 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। शेयर में तो हम लगातार तेजी देख ही रहे हैं आइनोक्स विंड के, कैसे लग रही है आपको कंपनी ये? नहीं, कंपनी तो बहुत बढ़िया। देखिए, एनीथिंग टू डू विद ग्रीन एनर्जी, विंड, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, ये सारे न्यू प्लेस हैं। और आपको पता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम यू नो प्लेस ऑन ईवीज, ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसमें ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म है। मैं अभी भी सोचूंगा, मेरा वहां सबसे फेवरेट प्ले है SW सोलर, वो कहीं डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, आइनॉक्स विंड में बने रहिए। ठीक है, आइनोक्स विंड में बने रहने की सलाह है। चलिए, तो ये रिजल्ट एक्सपर्ट में आपके लिए फटाफट तमाम रिजल्ट्स पर आपके लिए राय। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ तमाम रिजल्ट्स का एक सटीक एनालिसिस भी करने के लिए।